हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एल्डीजेसिक पी टैबलेट के बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं, जिसको उपयोग दर्द और सूजन को ठीक करने के लिए यूज में लिया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे यह टैबलेट काम कैसे करती है, इस टैबलेट का उपयोग किस प्रकार के दर्द को ठीक करने के लिए यूज में लिया जाता है और इस टैबलेट को लेने के बाद आपको क्या क्या साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं और कौन सी सी दवाइयाँ हैं जो आपने एल्डीजेसिक पी टैबलेट को लेने के बाद यूज में नहीं लेनी है और कौन से ऐसे पेशेंट हैं जिन्होंने एल्डीजेसिक पी टैबलेट का यूज नहीं करना है। और वीडियो के लास्ट में हम जानेंगे कि एल्डीजेसिक पी टैबलेट की डोज रहती है। तो सही और पूरी जानकारी पाने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखें। मैं आपका दोस्त पवन शर्मा और हमारे मेडिकल चैनल में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं एल्डीजेसिक पी टैबलेट की कंपनी के बारे में। बात कर तो इस टैबलेट को एल्कम लेबोरेटरीज कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। अगर हम इस टैबलेट के कंपोजिशन के बारे में बात कर तो इस टैबलेट में एसिक्लोफेनिक 100 मिलीग्राम दिया होता है और पैरास्टामोल 325 मिलीग्राम दिया होता है और यह टैबलेट आपको 110 रुपये में 10 टैबलेट की स्ट्रिप मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं एल्डीजेसिक पी टैबलेट काम कैसे करती है। बात कर तो यह टैबलेट दर्द और सूजन के लिए जिम्मेदार रासायनिक मैसेंजर की क्रिया को ब्लॉक करके काम करती है। अब बात कर लेते हैं एल्डीजेसिक पी टैबलेट के फायदों के बारे में। बात कर तो इस टैबलेट का उपयोग दर्द और बुखार को ठीक करने के लिए यूज में लिया जाता है। अगर आपको कान में दर्द है या आपको नाक में दर्द है या आपको मांसपेशियों का दर्द है या आपको जोड़ों में दर्द है तो तब भी एल्डीजेसिक पी टैबलेट का यूज लिया जाता है। और बात कर तो इस टैबलेट का उपयोग बदन दर्द को ठीक करने के लिए, सिर में दर्द को ठीक करने के लिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या को ठीक करने के लिए और रूमेटॉइड आर्थराइटिस को ठीक करने के लिए भी एल्डीजेसिक पी टैबलेट का यूज लिया जाता है। और बात कर तो एल्डीजेसिक पी टैबलेट का उपयोग दांत के दर्द या आपको गले में किसी कारण से दर्द है तो उसको ठीक करने के लिए भी एल्डीजेसिक पी टैबलेट का यूज लिया जाता है। या आपको किसी कारण से चोट लग गई है और उस पार्ट पर दर्द और सूजन होता है तब भी एल्डीजेसिक पी टैबलेट का यूज लिया जाता है। और बात कर तो अगर आपको मांसपेशियों का दर्द है तब भी एल्डीजेसिक पी टैबलेट का यूज लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, यह थे एल्डीजेसिक पी टैबलेट के कुछ फायदे। हो सकता है कोई डॉक्टर अपने नॉलेज के अनुसार इस टैबलेट का उपयोग किसी और प्रकार के दर्द को ठीक करने के लिए यूज में ले। अब फायदे जानने के बाद हम एल्डीजेसिक पी टैबलेट के साइड इफेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। बात कर तो इस टैबलेट को लेने के बाद आपको उल्टी या मतली की समस्या हो सकती है, सीने में जलन का होना, गैस का बनना, पेट में दर्द का होना, दस्त का लगना और भूख में कमी का होना। यह कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कौन सी ऐसी दवाएं हैं जो आपने एल्डीजेसिक पी टैबलेट के साथ यूज नहीं करनी है। बात कर तो डिजोक्सिन टैबलेट, लिथियम टैबलेट, कार्बामाजेपिन टैबलेट, लेफोनोमाइड, लोसार्टन टैबलेट और स्टालोप्राम, यह कुछ दवाएं हैं जो आपने एल्डीजेसिक पी टैबलेट के साथ यूज नहीं करनी है। अब बात कर लेते हैं कौन से ऐसे पेशेंट है जिन्होंने एल्डीजेसिक पी टैबलेट का यूज नहीं करना है। बात कर तो जिनको पेट में अल्सर है या जिनको एल्डीजेसिक पी टैबलेट के प्रति एलर्जी है या जिनको हेपेटिक एंसेफलोपैथी नाम की बीमारी है या जिनको हार्ट फेल होना जैसी कोई समस्या है, यह कुछ ऐसे पेशेंट है जिन्होंने एल्डीजेसिक पी टैबलेट का यूज नहीं करना है। अब बात कर लेते हैं एल्डीजेसिक पी टैबलेट की डोज के बारे में। बात कर तो इस टैबलेट को जब आपको दर्द होता है तभी आपने इस टैबलेट का सेवन करना होता है। इस टैबलेट को आप खाना खाने के बाद सुबह और शाम को ले सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपने डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यह थी एल्डीजेसिक पी टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।